तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे की तरफ से सीआईएफ चेन्नई का जो कि फॉर्म निकल के आया फ्रेंड, इसी का फ्रेंड आज हम बात करने वाले हैं कि इंडियन कोच फैक्ट्री सीआईएफ चेन्नई का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। फ्रेंड इस फॉर्म को फिल करने के लिए फ्रेंड आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए फ्रेंड वो आपका 10th क्लास पास होना चाहिए या फिर अगर आप आईटीआई किए हुए हैं तो फ्रेंड इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं। इसका फ्रेंड देख सकते हैं स्टार्टिंग डेट फ्रेंड देख सकते हैं 31 मई 2023 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट फ्रेंड 30 जून 2023 रखा गया। बट फ्रेंड जो है कि इसका जो कि अप्लाई जो चालू हुआ है वो फ्रेंड एक दिन पहले ही स्टार्ट हुआ है। हालांकि इसमें जो कि डेट मेंशन किया हुआ है 31 मई, बट 31 मई से स्टार्ट नहीं हुआ था। और वहीं भी फ्रेंड फीस की बात करें, अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो 100 रुपया चार्ज लगता है और एससी एसटी कैटेगरी से फ्रेंड आते हैं या फिर इंक्लूडिंग फीमेल तो आपका कोई भी चार्ज यहाँ पे नहीं लगता है। और इसमें फ्रेंड टोटल पोस्ट फ्रेंड देख सकते हैं 782 इसमें पोस्ट है जो कि आईसीएफ चेन्नई का जो कि जॉब लोकेशन है। फ्रेंड ये जो है फ्रेंड ये जो लोकेशन है आपका जो कि इंडियन कोच फैक्ट्री, ये एक आपका जो कि ट्रेनिंग बेस पे है जो कि आपका ट्रेन के अंदर में जो कि होता है कारखाना में जो होता है फ्रेंड उसमें एक साल का फ्रेंड आपको यहाँ पे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया जाएगा और आपको जो है कि उसके बाद फिर हटा दिया जाएगा। बट फ्रेंड इसका फायदा फ्रेंड आपको ये है कि आप अगर ये चीज को करते फ्रेंड तो आप रेलवे का कोई भी फॉर्म फिल करते हैं अगर उसमें आपके पास इस चीज का सर्टिफिकेट है तो आपको जो कि बहुत सारा जो अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको फॉर्म फिल करने में और बहुत सारे लाभ और सुविधा मिलता है। तो देख सकते फ्रेंड यहाँ पे जो है कि फ्रेशर और जो है कि एक्स आईटीआई मतलब 10th क्लास और आप जो है कि आईटीआई पास है तो इस फॉर्म को इजिली फिल कर सकते हैं। फ्रेंड फॉर्म भरने के लिए फ्रेंड सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना है, इसका लिंक फ्रेंड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली वहां पे क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट पे फ्रेंड आने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट में जो फ्रेंड आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ से फॉर्म को फिल करना है, उसके बाद फ्रेंड आपको जो कि पेमेंट करना है, उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट जो है कि एप्लीकेशन प्रिंट निकाल सकते हैं। बट फ्रेंड ये आपका जो है कि जैसा मैंने आपको बताया पेमेंट सिर्फ आपको जो है कि यूआर और ओबीसी कैटेगरी वाले को ही करना है, बाकी एससी एसटी या मेल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को पेमेंट नहीं करना है। तो सिंपली फ्रेंड यहाँ अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ से पूछा जाता है अगर आप जो कि आईटीआई कैंडिडेट हैं या फिर 10th आप जो कि 10th क्लास से भरना चाहते हैं तो सिंपली दोनों में कोई एक जो कि फ्रेशर को चूज करेंगे, मतलब आप 10th क्लास से अगर फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, बाकी आईटीआई वाले उसको चूज करेंगे। बाकी फ्रेंड फॉर्म भरने का फ्रेंड कंडीशन सभी में सेम है, थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, सिर्फ आईटीआई वालों को आईटीआई बताना है, बाकी जो कि सारा कंडीशन सेम है। तो मैं यहाँ पे 10th क्लास पास आउट के लिए फॉर्म फिल कर रहा हूँ, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं कैंडिडेट का यहाँ पे फर्स्ट नाम बताएंगे, फादर्स नाम बताएंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से पूछा जाता है कि आपका फादर या मदर किसी भी तरह का कोई अगर रेलवे में है तो फ्रेंड उसके बारे में बताएंगे, अगर है तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करके आप यहाँ पे इसे छोड़ देंगे फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना नेशनलिटी बताएंगे, इंडियन ऑलरेडी चूज रहता है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ से अपना एक फोटो चूज करेंगे, सिंपली फोटो का साइज फ्रेंड आपका 200 KB के बीच में होना चाहिए, 200 KB से अंदर में रहेगा फ्रेंड फोटो आपका इजिली अपलोड हो जाएगा। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक हियर टू अपलोड वाले ऑप्शन पे चूज करने के बाद क्लिक हियर अपलोड वाले ऑप्शन पे जो कि क्लिक करेंगे आपका फोटो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो फ्रेंड समझिएगा आपका फोटो अपलोड हो चुका है फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से पूछा जाता है कि अगर आप किसी भी तमिलनाडु अगर आप जो है कि एम्प्लॉय है तो उसमें आप फ्रेंड यस नो करके बताएंगे, है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से कम्युनिटी फ्रेंड बताएंगे, आपका कैटेगरी फ्रेंड क्या आता है, यूआर या ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी आता है वो फ्रेंड बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से पीएच कैंडिडेट पूछा जाता है, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है तो यस करेंगे, नहीं है तो फ्रेंड नो कर देंगे, अपने अकॉर्डिंग बताएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपसे यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, यहाँ से फ्रेंड कैलेंडर पे क्लिक करेंगे, इस तरह से देख सकते हैं डेट आप जो कि आगे पीछे करके डेट ऑफ बर्थ अपना बता देंगे, पहले ईयर्स बताएंगे, उसके बाद फ्रेंड जो है कि आप अपना जो है कि यहाँ से मंथ बताएंगे, फिर आपका जो है कि डेट बताएंगे, इस तरह से देख सकते हैं फ्रेंड आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करेंगे, उसके बाद आपका जेंडर क्या आता है मेल फीमेल वो बता देंगे, आपका फ्रेंड एक आइडेंटिटी पहचान बताना है, आपको एक यहाँ पे पहचान बताना है, फिर दूसरा आइडेंटिटी पहचान बताना है, मतलब कि आपका बॉडी में किसी भी तरह का कट या तिल का निशान है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पे दो पहचान बताना है, एक दो आपको दोनों में फिल करना है सेम टू अलग अलग फ्रेंड। तो फ्रेंड आप यहाँ पे सारा डिटेल्स को फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से फ्रेंड फोटो आप अपलोड करेंगे तो आपका जो कि फोटो यहाँ पे जो कि फाइल सक्सेसफुली अपलोड का यहाँ पे देख सकते हैं आपको मिलता है देखने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे समझ लीजिए आपका फोटो अपलोड हो चुका है फ्रेंड, उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, आपका जो रेसिडेंटल फ्रेंड पिन कोड है यहाँ पे पिन कोड बताना है फ्रेंड, आपका एड्रेस क्या है लाइन 1 2 3, सिटी क्या है फ्रेंड, डिस्ट्रिक्ट क्या आता है फ्रेंड, स्टेट क्या आता है, उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे ईमेल आईडी फ्रेंड आपको इस तरह से फिल करना है फ्रेंड। देख सकते हैं सारा डिटेल्स को फ्रेंड फिल करेंगे अच्छे लाइन बाय लाइन, पिन कोड बताएंगे, एड्रेस बता देंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट स्टेट अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड मोबाइल नंबर फिल करेंगे और सारा चीज को ईमेल आईडी फिल करके सिंपली यहाँ पे 7 यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। सारा डिटेल्स को फ्रेंड फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ से देख सकते हैं आपसे पूछा जाता है पीएच कैंडिडेट, अगर आप जो है कि पहले अगर यस किए होते तो उसका डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होता, अगर आपने वहाँ पे नो कर दिया है तो देख सकते हैं फ्रेंड
सारा चीज आपका नील आता है, सिंपली आपको यहाँ पे जो कि नेक्स्ट फ्रेंड करना है। नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं आपको यहाँ पे 10 क्लास का जो है कि यहाँ पे डिटेल्स बताना है, आपका कौन सा फ्रेंड बोर्ड है, देख सकते हैं यहाँ पे अपना बोर्ड बताएंगे, या फिर अगर आप बिहार बोर्ड है तो सिंपली यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर देंगे, पासिंग ईयर्स फ्रेंड बताएंगे किस साल आपने पास किया, आपका टोटल फ्रेंड नंबर आपका कितना आया था, परसेंटेज फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे 400-500 वाला था क्या था आप वो बताएंगे अपना यहाँ पे, आप इस तरह से अपना नंबर फिल करेंगे फ्रेंड देख सकते हैं आपका यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक फ्रेंड आ जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से आपको फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड अगर आपके पास 12th का डिटेल्स है तो 12th का भी फ्रेंड यहाँ पे बता सकते हैं कि क्या है नहीं, या फिर एनए करके आप छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आपका सीबीएसई बोर्ड या अदर है तो, या फिर आपका जो है कि बिहार बोर्ड है तो सिंपली 12th चूज करेंगे, यहाँ पे उसका डिटेल्स फ्रेंड बताएंगे, नहीं तो फ्रेंड इसको यहाँ पे जो है कि छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से फ्रेंड देख सकते हैं एमएलटी के लिए अगर आप जो है कि अप्लाई करना चाहते हो तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे यस करेंगे, तब आपको जो है कि 12 का डिटेल्स यहाँ पे बताना है फ्रेंड। अगर आप एमएलटी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सिंपली अगर एमएलटी भरना है तो तब फ्रेंड आप 12वीं का डिटेल्स देंगे, अगर नहीं तो फ्रेंड सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे, और यहाँ पे फ्रेंड आपको जो है कि ऑप्शन खुल के आ जाता है देख सकते हैं 6 डिटेल्स फ्रेंड, आपको कौन सा पोस्ट को पहले नंबर पे रखना है इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे फीटर का आपको सारा चीज का जो है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है फ्रेंड, आपको कौन सा पोस्ट को पहले रखना है इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड बता देंगे, देख सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड बता देंगे। अगर आप फ्रेंड एमएलटी चूज करना चाहते हैं तो तब यहाँ पे 12वीं का डिटेल्स डालना है और यहाँ पे नो करना है, एमएलटी चूज करेंगे उसमें सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन मिलता है एमएलटी के लिए फ्रेंड, देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे आपको जो है कि लिखा हुआ है, आप सिंपली आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड बता देंगे कि आपको क्या रखना है फ्रेंड नहीं रखना है, अपने अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे फिल करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड आप नेक्स्ट करने के बाद फ्रेंड सिंपली आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको जो कि क्लिक हियर फॉर ओटीपी वेरिफिकेशन करना है, सिंपली आप इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे फ्रेंड ओटीपी जाएगा, सिंपली आपको ओटीपी यहाँ पे फिल करना है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे ही आपको ओटीपी शो कर जाता है फ्रेंड, सिंपली यहाँ पे ओटीपी टाइप करेंगे और वैलिड ओटीपी पे फ्रेंड क्लिक करेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड आपका जो है कि यहाँ पे वैलिड क्लिक करेंगे, उसके बाद सिंपली यहाँ पे क्लिक हियर सेव योर एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, जैसे फ्रेंड सेव एप्लीकेशन करेंगे वापस से जो है कि यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे फ्रेंड आपका जैसा कि फ्रेंड मैंने आपको बताया अगर आप जनरल ओबीसी से अगर आप आएंगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड, सिंपली यहाँ पे पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पेमेंट वाले ऑप्शन पे फ्रेंड क्लिक करेंगे आपके जो मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन आईडी गया है, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, सिंपली यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड वहां से जो है कि आप अपना पेमेंट को इजीली फ्रेंड कर लेंगे। बट फ्रेंड मैं जिस कैंडिडेट का फ्रेंड मैं फिल कर रहा हूँ वो जो है कि अदर कैटेगरी से है, फीमेल कैंडिडेट है, तो उसका जो है कि पेमेंट नहीं लग रहा है। रिसीविंग फ्रेंड प्रिंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी देना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे फ्रेंड और सिंपली यहाँ पे वैलिड और प्रोसीड टू प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट जो है कि आपके सामने आ जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से फ्रेंड फॉर्म को आप फिल कर पाएंगे। किसी भी तरह का फ्रेंड डाउट लगता है तो फ्रेंड कमेंट करके पूछे, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं फ्रेंड, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।